एक मिनट बस हो गया थैंक यू सर थैंक यू And ladies and gentlemen, could you please put your hands together and welcome our chief guest, Mr. Jackie Shroff. प्रोग्राम को वही का वही ले लिया मेरा
Tamat dikle rahe hain bro. Let's say Vicente from Bandung, former Education Minister, Governor of Maharashtra, and a wonderful human being. And with him is our Chief Guest, Mr. Jackie Shroff. We've got Ms. Poonam Dhillon, we've got Ms. Isha Kopitan, and we will get so many more stars right to the evening, because today is the launch of a star-studded movie. The trailer and the music of Love You in Low Punch. We would like to start the function on stage. Okay, good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to this wonderful evening, to the launch of the music and the theatrical trailer of Love You with Lokatra. We have a special guest in our midst here, former Education Minister, Governor of Maharashtra, senior teaching functionary governor from Maharashtra. And yes, he is a man who is dynamic, he is a man who is welcome, Sri Ashish Chelara, on stage with a bouquet. Ashish, could we please have you on stage, sir? लेकिन आज मैं कुछ शॉर्ट में बताऊंगा कि आशीष जी हैज रियली बीन द बैकबोन फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग अ एडवोकेट बीइंग अ लॉयर. हम लोग सब वकील ही हैं, हमने हमारा प्रोफेशन चेंज नहीं किया है. तो हर बार मुझे वीडियो वाले पूछते कि हैव यू चेंज योर प्रोफेशन, द आंसर इज नो, यू नॉट चेंज योर प्रोफेशन. बट ऑफ कोर्स दिस वाज एट द टाइम व्हेन द कोविड सिचुएशन हैपेंड एंड वी थॉट ऑफ हैविंग समथिंग वेरी इनोवेटिव. वी थॉट वी हैड अ स्क्रिप्ट ऑलरेडी इन माइंड and we thought we'll go ahead. It is something similar that we made 1 year before. Abhi dekhna hai ki copyright ka case kis pe daal raha hai. And it is very incidental that the situation happened here and the movie is about to release. And I wish to thank so many people, especially Z, UFO, Downtown, Bright Underneath, Mr. Yogesh Lakhani, Alisa, look here, Alisa. Well, look here. Thank you, sir. What the hell, यार आशिम यार. उधर है इनका पोस्टर पे लो. यहाँ पे मैम, यहाँ पे सारे यहाँ पे यहाँ पे सपना जी, अरे
बड़ा किसका हाथ है किसका हाथ है अरे यार सपना जी सामने थोड़ा सा सपना जी इधर इधर मैम तू क्या देख रहे हो हां जी आप नहीं देख रहे हो इधर और रुक जा पीछे उनके सोलो पोस्टर के साथ भी लेते हैं मैम पीछे भाई सपना बोल 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 हां सब लोग सब लोग सपना जी देखा भाई तू आगे जा मैं ले ले बड़ा सपना जी पीछे 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 जा 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 लो मत परेशान करो वो जो थोड़ा थोड़ा कौन है भाई मोबाइल थोड़ा सा फ्रेम में आ रहा है पीछे ले सपना जी सपना जी सेंटर सपना जी सपना जी आपने देखा है नहीं साइड यार चले थैंक यू पान जी यहाँ पे सर यहाँ पे हाँ जी सर हाँ जी यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे सांजी सोलो अरे नाइस लुक कौन है यार थैंक यू लोकतंत्र यहाँ पे लोग चलो गया यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई बहुत दिनों से नहीं बुला क्या बात है तो चलो इस प्रोग्राम का मैं ही करता हूँ सबको आ गया एक्चुअली मुझे ऐसा जावेद साहब के सामने एक बार प्रोमो बनता है हाँ हाँ प्लीज है ना प्लीज नहीं नहीं चलिए साइड साइड सब भाई हट जाइए चलो मैं ही करता हूँ शाम को सर बहुत दिनों से सर Members of the media, just 5 minutes, we'll give you ample opportunities for photographs. Come. एक सेकंड आ जाए भाई अरे
Tell my wife, Bhavini, please come here on the stage. पीछे जान दे क्योंकि आगे जाने का पता है ना। सपना चौधरी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हैंड्स ऑफ जैकी दादा।
ए भाई राजेश, राजेश भाई नीचे करो। बाबा इधर, बाबा 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 लुक। माय सिंगर, माय बैकग्राउंड सिंगर मिस्टर शान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एट द हैंड्स ऑफ जावेद अख्तर जी प्लीज। देखी तो भी नहीं पूरा इधर उजाल लग गया अलग ही सब। आई वेलकम अभिजीत जी ऑन द स्टेज। अभिजीत जी एट द हैंड्स ऑफ जावेद अख्तर जी प्लीज। Nikolai Mukil has been sung by him. There we established the lawyer in London. अभी the man behind the show. लव यू लोकतंत्र, ये फिल्म बन नहीं सकती है, कोई भी फिल्म नहीं बन सकती है बिना प्रोड्यूसर के, बिना पैसे के, राइट? तो इन्होंने ना, अमित मेहता जिनका नाम है, उन्होंने मेरे पे अंधविश्वास किया, अंधा विश्वास, जैसा बोलता गया वैसा करता गया वो। अभी अगली फिल्म में मुझे लेंगे नहीं क्योंकि पूरा रास्ता मैंने दिखा दिया। एक्चुअली दो अवार्ड मिलना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का और एक एक्टर का, है कि नहीं? भाई वकील का भी मिलना चाहिए ना, वो तो लॉ फर्म का अलग है। आइए आइए दादा, थोड़ा नीचे रखो ना। प्रतिभा जी आप भी आइए आइए, मुझे नहीं, मुझे मुझे जगुदा आप बीच में आइए सर। कृष्णा बीच में। Pratibha and my singer Sherazad, please come. Hi, hi, hi. Hi Pratibha. Sir, Jackie, Pratibha ko Jackie Dada ke haath se dilate award. Pratibha Baghel, aaj wahi gana launch hua hai Thumke se, Dhoni government gira do. प्रतिभा बघेल, जैकी दादा, जैकी दादा, जैकी दादा, ये इनको देना है। ब्यूटीफुल सिंगर विद अ ब्यूटीफुल वॉइस। शहजाद, अमृता जी प्लीज, शहजाद को थोड़ा पीछे आ रहा है। और मैं ना रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी फिल्म से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम शायद अमित जी या ये भूल गए हैं, जो जो भी हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं, ये स्टेज आज उनका है, वो डायरेक्टली आ जाए, जो जो हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, है ना? अमृता फडणवीस जी, तो जावेद जी के हाथ से मैं इनको फैसिलेट करना चाहूंगा। रोमांटिक सॉन्ग संग बाय अमृता जी, प्लीज गिव अ बिग हैंड एवरीवन प्लीज। ये ललित जी की मेहरबानी थी, एक्चुअली अमृता जी ने बहुत खूबसूरत गाना गाया और हमने कोशिश की उसी खूबसूरती से उसको पिक्चराइज किया जाए। जो भी हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे एक्टर हो, चाहे ड्रेस में हो, चाहे स्पॉट में हो, चाहे पार्क, ये जो ट्रेलर आज आप लोगों ने देखा है, ये ट्रेलर पार्क भट्ट ने काटा है, बहुत सारे ट्रेलर काटे हैं। जगह मिलती है वहाँ खड़े रहो, हमारे स्टेज पे होना जरूरी है, आगे पीछे कहीं भी जो जुड़े हैं आइए। आगे आइए
चलिए 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 योगेश जी आइए, योगेश जी, योगेश भाई, योगेश भाई आइए 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 आइए। लोकतंत्र जो है ये एक पॉलिटिकल सटायर है और आजकल की राजनीति पे आधारित है। हमने जब 2 साल पहले कोविड में ये शूट किया था तो हमें पता नहीं था कि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू डिपिक्ट जो आजकल हमारे राजनीति में चल रहा है। बहुत ही हिलेरियस मैड कॉमेडी है और माय रोल इज़ ऑफ अ पॉलिटिशियन, तो अलग रोल है, मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया नहीं है एंड आई एन्जॉयड प्लेइंग दिस रोल। आई एन्जॉयड वर्किंग विद ज्यूरिख मीडिया। अमित जी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल प्रोड्यूसर, कभी पेमेंट के लिए तंग नहीं किया उन्होंने एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद द एंटायर कास्ट। थैंक यू। आजकल हमारी ऑडियंस बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अलग अलग कंटेंट के लिए रेडी है। दे एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट स्टोरीज। तो मुझे लगता है आजकल जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिक्स राजनीति में चल रहा है, उसको लेके हमने थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ऑफ कोर्स लेके जो स्टोरी बनाई है वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज इट इज़ जो इसका जो इसकी स्टोरी लाइन है वो सीरियस है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन प्ले है, नरेटिव है, ये बहुत ही फनी है, बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉमेडी है इसमें। एंड मेरा जो रोल है वो सीरियस है बट इट्स सिचुएशनल कॉमेडी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे कॉमेडीज़ वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कूल है हम जो मैंने किया था बहुत साल पहले, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मेरा रोल उसमें बहुत सीरियस था बट इट वॉज अ सिचुएशनल कॉमेडी। लाइकवाइज ये फिल्म भी मुझे लगता है विल बी वेरी वार्मली एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस एंड हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड इट शुड डू वेल। थैंक यू। थैंक यू। देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारी जो कंट्री है ये सबसे बड़ी लोकतंत्र है डेमोक्रेसी। और ये जो पिक्चर बनी है इसका सब्जेक्ट इतना खूबसूरत है, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि ये तो अरे यही तो हुआ है। और म्यूज़िकली वोवन पिक्चर है, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं इसमें, संजय छेल हैं जिन्होंने गाने भी लिखे हैं, स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हैं इसके, और म्यूज़िक बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द सॉन्ग्स और म्यूज़िक। मेरे दोनों बेटों ने मुझे असिस्ट किया है इसमें, म्यूज़िक बनाने में, म्यूज़िक अरेंज करने में और पूरा एग्जीक्यूट करने में।
तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ज़रूर देखिएगा इसको, और इसको देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और इट्स अ बिग थिएटर रिलीज़, और इसका जो म्यूज़िक है जी ने ख़रीदा है इसका, और जी ने जब पूरा गाना सुना है इसके पूरे तो दे रियली लव्ड इट, वो भी ऑन बोर्ड आ गए और वो भी यहाँ पे साथ में हमारे। और आज म्यूज़िक का रिलीज़ फंक्शन है, ट्रेलर का रिलीज़ फंक्शन है, ये म्यूज़िक ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है आज। ओके थैंक यू। प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और गाना सही में बहुत धमाकेदार था, मैंने सुन के ही हाँ की थी गाना करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आया, पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी राज सर का और अमित सर का। फिल्म में आइटम सॉन्ग का काफ़ी वैल्यू होता है, लेकिन कुछ लोग उससे थोड़ा सा झिझक के, जैसे पूरा पति ने अभी हल्ली में कहा कि मुझे आइटम सॉन्ग या आइटम गर्ल का गाना पसंद नहीं है, तो क्या करके इस बारे में आप? नहीं नहीं, वो तो लोगों की सोच है, वो तो एक टैगलाइन है, एक चीज़ें, जैसे हम कान को आँख और आँख को कान कभी नहीं बोल सकते, तो ये तो खाली शब्द है, आप खुद में क्या हो वो बहुत मायने रखता है। मैं खुद क्या हूँ, अंदर से क्या हूँ, तो मैं सपना चौधरी हूँ, मैं आइटम गर्ल नहीं हूँ। जी हरियाणा से असुरक्षा का माहौल देखिए पहले भी था, आज भी है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो तो कानून का काम है, कानून अपने हाथ से ही अपने तरीके से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल इसकी मैं निंदा करूँगी कि सिद्धू के साथ जो भी हुआ वो गलत है, और इसकी अच्छे से तफ्तीश चल भी रही है, काफ़ी इनकाउंटर में भी पीछे दो लोगों को मारा गया है मुझे पता है, तो बिल्कुल बखूबी जो उनके मर्डरर हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और सबका अपना अपना लक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मैं क्या करूँगी वो मेरी जर्नी के ऊपर है, शहनाज क्या कर रही है वो उनकी जर्नी के ऊपर है। मैं धमाका नहीं कहूँगी कि कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं फ्लो में चलती हूँ, फ्लो में चलूँगी, फ्लो में ही चलती रहूँगी। म्यूज़िक का मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में नहीं है, म्यूज़िक का इंटरेस्ट मुझ में है, गाने का तो मुझे बचपन से ही शौक था। अरे शी इज गोइंग, चलो ठीक है, लुक लुक सेंटर देखिएगा, सवाल कैसे लाउड बहुत है, बहुत लाउड है ना, कॉपीराइट का पक्का है, हाइट नहीं है ना, वो सारा कट जाएगा था। नहीं इतने क्यूरियस में पता चल गया कौन सा गाना है, मैंने मालूम नहीं पड़ेगा, मगर कैसा लगा वो, ठीक लगा, नहीं दिया था। हां देखिए आजकल फिल्म का म्यूज़िक इस प्रकार का लॉन्च होना बहुत कम दिखा है इन दिनों, पहले बहुत होता था जब संजय जी और मैंने बहुत काम किए साथ में, तो पहले बहुत होता था म्यूज़िक लॉन्च, बड़ा पार्टी होती थी, और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा लॉन्च म्यूज़िक का और उसके ट्रेलर का हम देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में, और म्यूज़िक का भी बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पिक्चर में म्यूज़िक देखेंगे। और हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाया जब दुनिया पूरी शांत थी, जब शांति होती है तब संगीत निकलता है, और तब हमने अच्छी ट्यून बनाई ललित साहब ने और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक, हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज करते गए, और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूज़िक बनाया है, तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं, ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा हुआ गाना नहीं है, ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, इस सिचुएशन के लिए बनाए, और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूजिक वाइज भी। इनफैक्ट हम इस गानों के लिए साथ में बैठते थे,
साथ में खाते पीते थे और सोचते थे इसका कैसे करें। हाँ। और ट्यून बनाते बनाते इसकी जैमिंग सेशन होती, बड़ी जैमिंग सेशन इसकी हुई। हाँ। और हम इम्प्रोवाइज करते करते गाना बनाते गए, इसलिए गाना बहुत ही महकते हुए गाने हैं, बहुत ही फ्रेश गाने हैं। और ललित और मेरा तो, जतिन ललित और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खूबसूरत से लेकर यस बॉस से लेकर फिर भी दिल हिंदुस्तानी, पटेल की पंजाबी शादी, बहुत सारी पिक्चर हमने की। तो ये फिल्म में भी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा गारंटी है। मैं संजय छेल, ललित पंडित, हम गारंटी देते हैं कि म्यूजिक आपको अच्छा सबसे अलग और सबसे फ्रेश लगेगा। थैंक यू सो मच। देखिए पिक्चर पॉलिटिक्स में है, मगर जो गाने हैं इसकी परफेक्ट सिचुएशंस हैं, और उस सिचुएशंस के हिसाब से दो बहुत अच्छे डांसिंग नंबर हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें हम दोनों ही बहुत एक्सपर्ट हैं, और वो गाना भी बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें, दलेर मेहंदी ने गाया है और शान ने गाया है, अमिता फडणवीस जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है, आप सरप्राइज हो जाएंगे उन्होंने कितना अच्छा गाया है, और प्रतिभा बघेल ने गाया है, थोड़ा मैंने भी गाया है, और बहुत मिल के दलेर ने गाया है, दलेर ने तो गाया, मैंने सबसे पहले ही उनका नाम लिया। और आजकल पॉलिटिक्स में जितना म्यूजिक है उस वैसा म्यूजिक कहीं पर भी नहीं है बाय द वे। ये जिस खूबसूरती से लिखा गया है गाना और जिस सिचुएशन में लिखा, आपको मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा लिखा हुआ है। अभी जावेद साहब यहाँ से गए और वो तारीफ करते हुए गए कि गाने बहुत अच्छे लिखे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आइटम नंबर तो मुन्नी बंदा के बाद मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, वो कलर तो है ही इसमें, मगर ये पिक्चराइज भी इतने अच्छे किए गए हैं गाने और इतने अच्छे लिखे हुए हैं। देखिए आइटम गाने में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दुनिया भूल जाती है वो है उसकी लिखाई, और संजय जी इस चीज़ में बहुत स्पेशलाइज करते हैं, बहुत ही अच्छे लिखे। मैं इतना खुश हूँ इनके वर्ड से कि हम अलग से भी काम करें। थैंक यू। अरे माइंड ब्लोइंग गाना, मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, मैंने जितने गाने के लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ लवली एक्सीडेंट जो आप लोगों ने देखा है, तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ, तो आई थिंक हाँ बिल्कुल हमेशा डांस करता रहता हूँ, बिकॉज आई लव डांसिंग, डांस मेरा पैशन है। तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया उसने गाया, दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था, गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा। बाकी फिल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने स्टोरी सुनी थी लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी, तो अच्छा आप काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है। मेरा पति आइटम बॉय बन गया है, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आप सबको अच्छा लगा ही होगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जंप वगैरह सब करके, आई लव दिस सॉन्ग। हुक स्टेप वो वाला था ना, मैंने बोला नाचना मुझे कहा याद है, अभी भी फॉलो कर रही हूँ। बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है, एक स्टाइल जो था ये मतलब अलग था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल था, और डांस के तो सभी फैन हैं इनके, और एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे, प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा, नहीं सबसे अच्छा गाना लगा। कश्मीरा जी, कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहें? नहीं नहीं, अभी आज का दिन इनका है, तो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा वाला मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आज एक फिल्म आ रही है जो जैसे मरने भी दो यार आई थी, कश्मीरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की है बहुत जल्दी, उसकी भी प्रोमो लॉन्च हम करेंगे और धमाके के साथ और एक्साइटमेंट, वो भी अलग टाइप अलग कॉमेडी फिल्म है, उसमें श्रेया से तालपड़े हैं, मैं हूँ और कीकू हैं, कीकू शारदा जो हमारे शो पे आपको नज़र आते हैं, हम तीनों हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कश्मीरा ने बहुत कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ आध बार न्यूज़ में आया था लेकिन
अभी हम क्या बोलते हैं उसके लिए एक्साइटेड हैं, बस एक दो महीने में मिलेंगे जल्दी। तो टाइटल बता दो। आपसे एक सवाल है, अभी हमने आपका गाना देखा, बहुत एंजॉय किया, आपके डांस स्टेप्स देखे, बहुत एंजॉय किया, कॉमेडी देखते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं, लुक्स देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कोई सीरियस सवाल आने वाला? बहुत अच्छे कैरेक्टर लीड रोल नहीं मिल पाता आपको कहीं? देखो मैंने बोला सीरियस कुछ सवाल आएगा, अरे बाबा। नहीं मैं देखो हर आदमी की एक दौड़ होती है हमारी लाइन में, और मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ, मैं उस मुझे उसकी ज़्यादा खुशी है। करते 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 कॉमेडी भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो हर आदमी का एक मोटिव यही होता है कि वो एक बड़ी फिल्म में एक लीड रोल करे। करेक्ट, मेरा भी वो क्या बोलते हैं ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए मैं 4 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, तो अच्छा है कि और 4 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाऊँगा अगर आप लोगों का ऐसी गुडविल गुड लक रहा तो। कॉमेडी करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा है लोग आपको कॉमेडियन समझने लग गए? आप प्रोड्यूस करो कुछ फिर। नहीं लेकिन हम कॉमेडी करके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो पता है कि डेफिनेटली कॉमेडी की छाप पड़ती है, और इससे अच्छी छाप कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ जॉनर है, किसी को आसान ना सबसे। और हमें, हम जो कॉमेडी करते हैं उसकी हम, हमें छाप की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत पैसे मिलते हैं। अमित भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और अमित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो पिक्चर बनाई है एकदम जोरदार बनाई है, और ब्राइट आउटडोर, पेन इंडिया और मुंबई और सब जगह पे उनसे जुड़ा हुआ। मैं डे वन से फिल्म के शूटिंग के मुहूर्त से उनके साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने अच्छे स्टारकास्ट, गाने भी अच्छे हैं, और आज इस फिल्म का मैं इतने बड़े पैमाने में रिलीज़ करने को सर जा रहे हैं, इसके लिए ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। अभी उनके साथ में अभी बैठा नहीं हूँ, आज रिलीज हुआ ना, अभी बिजी थे, नेक्स्ट वीक में उनका यह मीडिया प्लानिंग सब बनेगा, उनके रिलीज डेट के बाद के पहले 10 दिन पहले सब प्लानिंग होगा। मेरी फिल्म, मेरा ब्राइट, मेरा योगेश सगानी पे एक पिक्चर बन रही है, लोग राइट्स खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इतना बड़ा आदमी नहीं बना, थोड़े दिन के बाद होएगी। और एक आध महीने में मेरी बुक्स भी लॉन्च हो रही है कोई बड़े सुपरस्टार के हाथ से, तो बुक्स भी बन रही है, बायोग्राफी। आउटडोर 24/7 है, लार्जर देन लाइफ है, और होर्डिंग कोई मिस नहीं करता है। सोशल मीडिया में जो खुद है, गूगल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, उनके होर्डिंग्स भी मेरे होर्डिंग पर लग रहे हैं। उसके सिवा चैनल्स के भी, स्टार, सोनी, कलर, जी, टाइम्स ऑफ इंडिया, DNA, ST, मिड डे, मुंबई सब, सबके होर्डिंग्स लगते हैं, तो होर्डिंग्स है ना 24/7 है, तो कभी आउट नहीं होगा लाइफ में। एडवोकेट से एक्टर हो गया और आपका प्रोमो बहुत पसंद किया, तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये, एक रियल लाइफ लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर। एक तो एक्ट करना है, वकील लोग तो थोड़े बहुत तो एक्ट करते ही है इन द यू कैन से कोर्ट रूम, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू, दिस क्रू हैज बीन रियली डूइंग अमेजिंग। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से एक प्लानिंग की हुई थी अबाउट अ फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी, फिर संजय छेल ने हमको बताया कि आई कैन गिव यू वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर। और आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने 1 साल पहले लिखी हुई थी एंड टुडे इट टर्न्ड इनटू रियलिटी, जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है। बट दिस वॉज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने 1.5 साल पहले लिखी हुई थी और आज वो रिलीज हो रही है, और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन हो रही है अभी। आई हैव रियली हैड अ वेरी फैंटास्टिक को स्टार्स, बिकॉज काफ़ी सभी को स्टार्स मेरे रेफरेंस वाले थे, ईशा गोपीकर जी, मनोज जोशी जी, स्नेहा उल्लाल जी, रवि किशन जी, बींग अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने काफ़ी वक्त निकाला इसके लिए। स्नेहा उल्लाल इंस्पेक्ट ऑफ उनके हेल्थ इश्यूज रह के भी वो अक्सर सेट्स पे टाइम पे आती थी और अपना शूट ख़त्म करके चली जाती थी,
राज प्रेमी जो को प्रोड्यूसर क्रिएटिव प्रोड्यूसर है संजय छेल, अभय निहालानी, प्रदीप भट्ट, ये सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई एक्टिंग लगी तो अली असगर की, ही इज़ रियली प्लेड अ फैंटास्टिक रोल ऑफ अ स्टिंग ऑपरेटर जर्नलिस्ट, और अली ने बहुत अच्छा एक अपना एक योगदान दिया ये पिक्चर में। और कृष्णा ने बहुत कमाल का डांस किया है, क्या कहेंगे? जब हम गाना शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे कुछ एमएलए लोग को रिसोर्ट में बंद किया गया है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए। तो हमको बहुत सारे स्टोरीज दिमाग में आ रहे थे, जैसे आपने देखा रहेगा अलीबाबा 40 में खतूबा सॉन्ग था, तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज चल रही थी कि उस तरह का कुछ अपना सॉन्ग होना चाहिए। तब हमको ध्यान में आया कि सपना चौधरी जो नॉर्थ इंडिया में शी हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक अपना सिचुएशन है और अपने सॉन्ग रहने वाला है, तो उन्होंने बोला इमीडिएट, उन्होंने येस कह दिया एंड शी टोल्ड दैट आई विल साइन फॉर दिस। उनको हमने लिरिक्स सुनाया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द लिरिक्स एंड आई विल कम फॉर दिस सॉन्ग एंड गेट इट डन। तो कोविड टाइम में भी वो आके एक सॉन्ग करके चली गई। इट्स अ पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी, यानी ऐसे बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है, इट्स अ कॉमेडी मूवी लेकिन विद अ रियल लाइफ, उसके अंदर कुछ मैसेज है और वो मैसेज बहुत क्लियर है एट द एंड ऑफ द मूवी। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, 1.5 साल पहले अगर स्टोरी लिखी है तो कहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल आता है इसके अंदर? ये तो 1.5 साल 2 साल पहले लिखी हुई स्टोरी है जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी ऑल आउट। एक लॉयर होते हुए एक्टर की भूमिका निभाने का अनुभव कैसा रहा? ये पहली फिल्म होगी कि आगे क्या फिल्म करना चाहेंगे? आगे तो हम शायद फिल्म करेंगे बिकॉज मुझे ऑलरेडी 2 पिक्चर्स के ऑफर आए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बिकॉज रियल लाइफ लॉयर जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेट्स को लेके, मुझे ये मूवी में भी हमारे खुद के प्रोडक्शन होते हुए भी डेट्स लेने के लिए मुझे खुद को भी एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ा। तो हम सैटरडे संडे को करते थे, पब्लिक हॉलीडेज या बैंक हॉलीडेज के दिन हम लोग शूट्स करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ दैट 1 ईयर से हम जो कोविड का था सिचुएशन, तभी हमको बहुत अच्छा टाइम मिला और उसमें हमने कम्प्लीट किया। बट डिफिकल्टी बहुत होती है रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन अ रियल लाइफ लॉयर। एक्चुअली 2016 में बोहरा ब्रदर्स ने एक पिक्चर लिखी हुई थी, उनका नाम था अंग्रेज़ LLB, जो पिक्चर बनाई नहीं उन्होंने, तभी वो 2 पिक्चर बना रहे थे, एक अंग्रेज़ LLB, दूसरा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो तभी ये पिक्चर उनकी बनी नहीं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रायोरिटी में उनकी बन गई, लेकिन तभी से उन्होंने मुझे बताया था एक आइडिया कि उनको दिमाग में एक चल रहा है स्टोरी वेयर ही वॉन्ट्स अ रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन द मूवी फॉर अ रियल लाइफ लॉयर। नहीं नहीं आशीष जी बहुत डिफिकल्टी के यहाँ पे आए, मैंने आशीष को बहुत सारा रिक्वेस्ट की बिकॉज ही अनदर हैड मीटिंग एट 8 o'clock इन टाउन। अब यहाँ पे आए बैंड्रा से और वापस टाउन में जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 आवर का उन्होंने डिस्टेंस देखा था, पर मैंने उनको कहा आप 20 मिनट का खाले टाइम निकालिए, तो 30 मिनट बैठ के चले गए एंड आई वेरी थैंकफुल कि इतना बिजी शेड्यूल में भी आके हमारे मिलके गए। नहीं कुछ को बहुत यस बहुत बार कोर्ट में पंच लाइन्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, पंच लाइन्स होते हैं लेकिन थोड़े सटारिकल होते हैं, थोड़े आप किसी को टोक रहे ऐसे टाइप के होते हैं कभी कभी, पर ऐसे रियल लाइफ में भी कोर्ट्स में होते हैं कोई कोई सीन। थैंक यू कर रही हूँ ईशा खोपेकर मैम के साथ, तो आई थिंक मैं सबसे यंग MLA होने वाली हूँ इस मूवी में। माई नेम इज़ माधवी, पहले आप मेरा नाम जान लें, माधवी लावरे, और ये काफ़ी कॉमेडी मूवी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ किया। और इसमें मेरे अली असगर सर, ईशा खोपेकर के साथ काफ़ी अच्छे सीन है। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके आप पूछ सकते हैं जो भी। अच्छा इसके बाद मेरी एक और मूवी आने वाली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज सर के साथ है वो, टिकू एंड शेरू, MLA, यंग MLA। नो
मतलब ईशा मैम के साथ हूँ और उनका भांडा लास्ट में मैं ही, मतलब लाइक अली असगर सर के साथ जो मैं बताने वाली हूँ तो वो बहुत ही सस्पेंस वाली चीज़ें, वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। या थैंक यू। एक्चुअली सरकार ना सब जगह करप्ट भी होती है और नॉर्मल भी होती है। मेन क्या है, लोगों का भला होना चाहिए, मेन वो थिंकिंग होना चाहिए जो शायद इस बार नहीं था, शायद जो भी बाहर आया था उसमें, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आई थॉट। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए, एक मतलब अच्छे नागरिक का उन्हें बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं, तो उन्हें लॉयल रहना चाहिए, बिकने किसी भी कंपनी के लिए नहीं बिकना चाहिए। आमिर खान जी सारी मूवी बहुत ही अलग बनाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं, तो ये वाली